नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बिहार प्रदेश के रोहतास जिला के नोखा नगर परिषद अंतर्गत लालगंज गांव में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बिजली की तार टूटे देख बिजली का जेई अरविंद रमन को सूचना दिया गया, जिससे सूचना मिलते ही जेई द्वारा उसे आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द तार को बदल दिया गया है। आइए सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। लालगंज में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था कर बनाया गया है, यहाँ पुराने तार होने के कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि तीन दिनों से यहाँ की ग्रामीण जनता बिजली आपूर्ति की बदहाली से त्राहिमाम कर रहा है। विद्युत प्रवाहित तार पुराना होने के कारण बार बार टूट जा रहा है, जिसके कारण यहाँ की विद्युत आपूर्ति ठप है और लगातार तीन दिनों से लोगों का मोटर से पानी भरना हो या फिर और गृहिणी का कार्य हो, विद्युत प्रभावित होने से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने कनीय अभियंता महोदय से आग्रह किया और उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि विद्युत तार को जल्द से जल्द ठीक करके और जहां बदलने लायक होगा वहां बदल करके विद्युत आपूर्ति तुरंत बहाल कर दी जाएगी। इसकी मैं विजय सेठ, सोशल वर्कर, नगर परिषद नोखा एवं निवर्तमान सभापति पम्मी वर्मा का प्रतिनिधि।